बिलासपुर में जल शक्ति विभाग द्वारा विश्व जल दिवस बड़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा नगर में रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता सीआर चौधरी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र व छात्रा स्कूल के विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को जल संरक्षण को लेकर जागरूक किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर व छात्रा बिलासपुर के सौजन्य से जिला बिलासपुर में एक रैली का आयोजन किया गया, क्योंकि आज वर्ल्ड वाटर डे है। इसके उपलक्ष्य में जल शक्ति विभाग के द्वारा इस रैली का आयोजन करवाया गया, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। और आज का मुख्य उद्देश्य है कि जन जन में जो है वो पानी को कैसे बचाया जाए, उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जाए, ये स्लोगन बच्चों ने बोले हैं। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि लोगों तक ये स्लोगन पहुंचने के बाद इसका उन पर भरपूर असर होगा। यह रैली रोड़ा सेक्टर से निकलकर बीच बाजार होते हुए कोर्ट रोड और उप शिक्षा निदेशक कार्यालय तक गई, फिर शहीद स्मारक पर रैली का समापन हुआ, जहां पर विभाग की ओर से बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी गई। वहीं आईपीएच विभाग के कनिष्ठ अभियंता सीआर चौधरी ने कहा कि वर्तमान में पानी की अहमियत को यदि ना समझा गया तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा जाएगा। जल दिवस है और इसके उपलक्ष्य में बॉयज स्कूल के लड़कों ने और गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने एक रैली निकाली, और इस रैली से आम जनता को अवेयर किया गया कि हमें जल को सुरक्षित रखना है। और इसमें और बॉयज स्कूल के अध्यापकों ने भी बढ़ चढ़ भाग लिया। आम जनता को अवेयर किया गया कि जल को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, यही इस रैली का मुख्य उद्देश्य। उन्होंने कहा कि विश्व में पानी के घटते स्तर तथा गुणवत्ता को लेकर चिंता का होना स्वाभाविक है। विश्व के वैज्ञानिक केवल पानी बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं। पानी बचाने को लेकर ही हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के 71% हिस्से पर पानी है, लेकिन इसमें से केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, इसलिए पानी के महत्व को समय रहते समझना होगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पानी के महत्व को समझें और पानी बचाने के लिए अभी से प्रयास करना शुरू करें। पानी बचाने का मतलब जीवन बचाना है। हिमाचल प्रदेश से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।